गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। जैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मीटर यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, मीटर यहाँ पे बड़ी वैल्यू है और सेंटीमीटर यहाँ पे छोटी वैल्यू है। तो ये मीटर के पीछे जो है वो है नंबर। तो अगर मीटर बड़ी वैल्यू तो नंबर छोटा होगा, और अगर छोटी वैल्यू है तो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है वो है बिग यूनिट और ये है नंबर, ठीक है। यहां पे हम बोले तो ये है स्मॉल यूनिट और यहां पे हम बात करें तो ये है नंबर, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जरा देखिए, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, नंबर जो होगा वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होगा। यू का मतलब यूनिट से है और एन का मतलब यहां पे क्या है, किससे है? नंबर से। वेरी गुड, ठीक है। नंबर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक, कोई दिक्कत? ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। तो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? अब ये न्यूटन जो है वो फोर्स का ऐसा यूनिट है, डाइन उसकी सीजीएस यूनिट है। तो अब एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, इसको पता लगाएंगे क्या करेंगे, अपना वो पुराना कॉन्सेप्ट एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। मैं चाहता हूँ आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी शर्त में गलत ना हो, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे एसआई में मान लेते हैं और इसे सीजीएस में, ठीक है। यहाँ पे जो एन वन है, यहाँ पे जो एन वन है वो वन है और यू वन जो है वो न्यूटन है, ठीक है ना। एन टू हमें यहाँ पे पता लगाना है क्योंकि ये रहा, और यू टू यहाँ पे डाइन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हमें इस तरह से लिखना है एन वन यू वन का डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे एम वन एल वन टी वन और इसके पावर में लिखेंगे ए बी सी। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि हम ये क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे जो न्यूटन का फोर्स, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स का डायमेंशन लिख रहे हैं एम वन एल वन टी वन, लेकिन ए बी सी क्या लिखा है यहाँ पे उसके पावर लिखा है कि ए बी और सी है, इज इक्वल टू एन टू इज इक्वल टू एम टू एल टू टी टू ए बी सी। चलिए थोड़ा सा पता लगा लेते हैं कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। कि आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, याद करवाया था मैंने एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो ए वन वन और ये, तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू, है ना। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा ना कि वन ए इज इक्वल टू ए वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू टू, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू यहां पे आप नीचे लिख लो, यहां पे ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर में लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू, और मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये वाले आपने इसको अच्छे से रख लेना है और इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, एन वन
एन टू की वैल्यू हमें निकालना था, तो आप इसको लिखो एन टू बराबर एन वन एम वन एल वन टी वन ए बी सी अपॉन में एम टू एल टू टी टू ए बी सी। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखे, आपका कौन सा स्टेप होगा? ये थर्ड स्टेप था, तो अब हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप की बात करेंगे। फोर्थ स्टेप में अगर हम बात करें तो एन टू बराबर एन वन लिखना है, एन टू बराबर एन वन है ना, ये रहा एन वन, तो एन वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है वन, तो वो वन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया वन। अब एम वन जो है, एम वन जो है वो एक्चुअली में है क्या, मास क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ही रिप्रेजेंट करता है, तो मास को अगर हम एसआई में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वन केजी, ठीक है, उसके पावर में क्या लिखेंगे ए। दूसरा देखो आप क्या लिखना है अपने को, एल वन, एल वन यानी कि एल वन है, वन किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है एसआई में, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है मीटर है ना, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा मीटर होगा, तो हम इसको लिखेंगे वन मीटर, और इसको लिखेंगे बी, और इसको लिखेंगे सेकेंड सी, ठीक है। नीचे जो है वो ग्राम में लिए हैं, कैसे पता, क्योंकि टू जो है वो सब ग्राम में है, सीजीएस में है, देखो यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे वन ग्राम ए, वन सेंटीमीटर बी, वन सेकेंड सी। अगर आप देखो तो ऊपर वाले चीज़ें हमने लिखा है एसआई में, और नीचे वाले को हमने लिखा है सीजीएस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं वन केजी वन मीटर वन सेकेंड एंड वन ग्राम वन सेंटीमीटर वन सेकेंड। तो यहाँ पे अब वन सेकेंड वाला पोर्शन जो है वो दोनों में सेम है, तो उसको कैंसिल आउट कर दो, बाकी यहाँ पे है ग्राम और यहाँ है केजी, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे है सेंटीमीटर यहाँ पे है मीटर, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, अब हमें कैंसिल आउट करना है, तो किसको किसके में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे पीछे चलते हैं, हमें यहाँ पे डाइन में चाहिए आंसर, हमें ये डाइन में चाहिए, ये चाहिए, और डाइन में चाहिए मतलब हमें सीजीएस में चाहिए, तो किसको कन्वर्ट करना होगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, सीजीएस में चाहिए, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्राम में। तो कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट और आखिरी स्टेप, एन टू इज इक्वल टू वन, इसको लिखेंगे वन केजी, किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो वन ग्राम। पावर भी लिखते चले, ए की वैल्यू यहाँ पे वन लिख दिया, सॉरी यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लिखना चाहिए 1000 ग्राम, पावर भी लिख देता हूँ और वो पावर है वन। दूसरा लिखते हैं अपन 100 सेंटीमीटर और इसके पावर में वन, और सेकंड लिखने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आए। ये हमने क्यों ग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें ग्राम में ही आंसर चाहिए, तो वन ग्राम वन और वन सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल आउट कर देते हैं, ग्राम से ग्राम को कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 10 to the power 5, तो एन टू की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। स्टेप क्लियर रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं। पहला स्टेप में एन वन यू वन करना है, दूसरे स्टेप में ये लिखना है आपको, तीसरे स्टेप में आपको एन टू की वैल्यू लिख लेना, और जो जो भी टर्म है जो आपको निकालना है उसको रख के बाकी सब टर्म को अरेंज करके लिख दिए। फोर्थ स्टेप में आपको के जी लिखना है वहाँ पे स्टैंडर्ड, क्योंकि वन के जी वन मीटर वन सेकेंड लिखना है, दूसरे में जो भी है वैसे आप लिख दीजिए, पुट कर दीजिए और सॉल्व करके आंसर यहाँ पे ले आएंगे। पाँच स्टेप में ये इसका आंसर आ जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो आप करिए। एग्जाम्पल है 1 जूल बराबर कितना अर्ग, है ना, ये आपको खुद करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको करो क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आप प्ले करके उसका आंसर देखेंगे। देखिए मैं यहां पे करता हूं, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में बात करेंगे, क्या है एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये रहा एसआई में और ये रहा सीजीएस में,
अच्छा, उससे पहले जो बेसिक बातें कर लेते हैं कि क्या ये जूल किसकी यूनिट लगती है? वर्क की। वर्क की यूनिट क्या होगा? एसआई में जूल लिखते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था। तो वर्क का डायमेंशन हमें लिखना होगा, आपको याद है वर्क का डायमेंशन? ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, ओके। तो अब पहला स्टेप क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप पे बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है? n1 हमें निकालना क्या है, फिर से n2 ही निकालना है, तो हमें उसी तरह से अरेंज करना है, m1 l1 t1 a b c। ठीक है, n2 इज इक्वल टू m2 l2 t2 a b c। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप में बात करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा? n2 हमें निकालना है, तो जो निकालना है उसको रख के बाकी सबको नीचे लग लो, m1 a l1 b और t1 c अपॉन में m2 l2 t2 a b c। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या करने वाले हैं? वैल्यू पुट करने वाले। अब फोर्थ स्टेप में देखो, n2 बराबर n1 की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि 1 जूल निकालना है, और अब यहाँ पे लिखते हैं 1 kg, है ना। ऊपर वाला सब SI यूनिट में है, देखो एक बार, ऊपर वाले जो भी है वो सब किस में है? ये सब SI यूनिट में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1 kg लिखना होगा, 1 मीटर लिखना होगा, 1 सेकेंड लिखना होगा। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पावर में यहाँ पे a, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? 1 मीटर के पावर में b और 1 सेकेंड के पावर में c। नेक्स्ट लिखेंगे 1 ग्राम के पावर में a, 1 सेंटीमीटर के पावर में b और 1 सेकेंड के पावर में c। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि सेकेंड सेकेंड दोनों सेम होंगे ऑलवेज, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो सेकेंड हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी स्टेप में, जिसमें आपका फाइनल अब आंसर आने वाला है। n2 बराबर 1 kg किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। 1 kg में 1000 ग्राम, और इसके पावर में क्या लिखेंगे? 1, है ना, एक ही वैल्यू आपको याद है ना, 1। इससे कंपेयर करते थे हम लोग, इससे कंपेयर करते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 सेकेंड के, तो हम लोग लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 ग्राम, ये ग्राम लिख दिया यहाँ पे पावर में 1, और यहाँ पे हमने लिखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया आपका n2 इज इक्वल टू 10^7। नाउ यही आपका आंसर आ जाता है। तो क्या मतलब हुआ? 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग। अब बताओ, कहीं से कोई मुश्किल है क्या? ये कोई मुश्किल नहीं, अगर आपको ये 5 स्टेप क्लियर हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा वो बन जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ g 6.67 इंटू 10^-8 इन cgs डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये सीजीएस में देख रखा है, आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एसआई में आपको पता लगाना है कि एसआई में इसकी वैल्यू क्या होगी। सीजीएस में इसकी वैल्यू ये है, आपको एसआई में जी की वैल्यू पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? जी का हमें डायमेंशन ढूंढना है कि जी का डायमेंशन क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जो जी होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम वहाँ से बात करेंगे। तो जी m1 m2 अपॉन में r² होता है, तो जी की वैल्यू क्या लिखेंगे?
जी की वैल्यू लिखेंगे एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में एम वन इंटू एम टू। अब इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डायमेंशन क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन हमने पहले ही कर रखा है एम एल टी माइनस टू, और आर का डायमेंशन जो हो गया वो एल स्क्वायर हो जाएगा, एम का इस जो होगा डायमेंशन वो एम स्क्वायर लिख लेंगे। तो नाउ इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, एम नीचे जो है वो पावर टू में है, ऊपर जाएगा तो वन में प्लस वन और ये माइनस, तो हो जाएगा एम के पावर में, एम के पावर में माइनस वन। ठीक है, एल जो है वो एल क्यूब हो जाएगा, सॉरी एल क्यूब होगा, और टी जो होगा वो एज इट इज होगा। तो ये इसका फाइनल जी का डायमेंशन आया, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। वैसे हमें पहले से ही क्लियर है कि भाई टी का तो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे उसको कर लिया। तो अब इसे हमने निकाल दिया, तो इसे रब कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपना वही पुराना तरीका एन वन एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये है एसआई में और ये है सीजीएस में, लेकिन इस बार हमें एसआई में निकालना है। ठीक है, ओके, तो क्या करना है देखो आप ध्यान से, एन वन, अब यू वन जो है उसको हमने दूसरे स्टेप में एम वन ए एल वन बी और टी वन सी है इज इक्वल टू एन टू, करो यहाँ पे एम एल सॉरी एम वन नहीं होगा एम टू होगा एल टू होगा और टी टू होगा ए बी सी के साथ। ठीक है, ओके, नाउ इस बार हमें क्या पता लगाना है, एन टू या एन वन, एन वन राइट, इस बार हमें एन वन निकालना है, है ना, एसआई में निकालना है ना, एन वन निकालना। तो हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, एन टू को एज इट इज रहने देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एम टू एल टू टी टू ए बी सी, और नीचे लिखेंगे एम वन एल वन टी वन ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एन टू की वैल्यू क्या है, एन टू की वैल्यू बताओ क्या है, हाँ एन टू की वैल्यू ये रहा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 80, ये हुआ एन टू की वैल्यू, लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं, अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे एन टू सॉरी एन वन इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये एन टू की वैल्यू हो गया, ये तो एन टू की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे N2 वाला टर्म्स, तो लिखेंगे 1 ग्राम के पावर में A, 1 सेंटीमीटर के पावर में B और 1 सेकंड के पावर में C, अपॉन में N1 वाला टर्म्स लिखेंगे, तो 1 केजी के पावर में A, 1 सेंटीमीटर सॉरी मीटर के पावर में B और 1 सेकंड के पावर में C। अब 1 सेकंड तो कैंसिल आउट कर दें क्योंकि सेम है, एन वन इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। अब हमें किस में लाना है आंसर, हमें केजी में लाना है या ग्राम में लाना है, दैट मीन्स एसआई में लाना है सीजीएस में लाना है, एसआई में लाना है ना, क्वेश्चन में तो यही पूछा हुआ है, सीजीएस दे रखा है जी की वैल्यू, हमें एसआई में लाना है, तो एसआई में लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्राम है उसे सीजीएस में कन्वर्ट करना, एसआई में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे 1 10 टू दी पावर माइनस 3 केजी के पावर में ए, ए की वैल्यू माइनस 1, 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर के पावर में 3। अब ये लिखने की तो जरूरत नहीं है टाइम वाला, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 केजी के पावर में माइनस और 1 मीटर के पावर में 3, तो अब कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे, ये से तो ये चला गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, यहाँ पे बचेगा 10 टू दी पावर 3 और यहाँ बचेगा 10 टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये टर्म वाले से आया यहाँ पे और यहाँ से जो टर्म होकर वो यहाँ आया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है।